Hey guys, welcome to the channel Dhiraj Life. I'm Deshraj. I hope you guys are doing good. And it's 7:30 in the morning. और आज से मेरा वीक ऑफ शुरू हो रहा है. रात 2:30 बजे शिफ्ट खत्म हुई. 3 घंटे सो चुका हूँ. और रात को ही प्लान बन गया था यार कि आगरा चलते हैं. पास का पास है और एक छोटी ट्रिप हो जाएगी. सो अभी सुबह उठ के रेडी हो गए और अब निकलते हैं आगरा के लिए. तो चलो पहले गाड़ी में सामान रखते हैं और फिर दिखाते हैं आपको. हाँ तो गाइस निकल गया हूँ घर से अब मैं. और अब पहले जाएंगे एटीएम और एटीएम से निकालेंगे कैश बिकॉज कैश इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिना कैश के देयर इज नो ऐश. सो अभी जाते हैं पहले एटीएम और एटीएम से निकालते हैं कैश. और मेरे साथ है जीना हु इज हाइडिंग बिहाइंड द कैमरा. हेलो. यू आर नॉट कमिंग इन द फ्रेम एक्चुअली. हाँ तो गाइज कैश निकाल लिया. और इससे पहले कि बाहर निकले मैं भूल गया था मेरे पास कल मेरा फास्टैग आ गया था. तो पहले फास्टैग लगा लेते हैं बिकॉज रास्ते में टोल पड़ेगा तो इससे आसानी हो जाएगी. सो आई थिंक दिस इज द स्टिकर एंड इसको यहाँ पे कहीं स्क्रीन पे लगाना पड़ेगा. आगे ग्लास पे लगाना पड़ेगा अंदर से. और मस्त है इसका बारकोड इस तरफ है लेकिन ये अंदर लगता है जैसा मैंने YouTube पर देखा. और ये हिस्सा बाहर की तरह लगता है. I don't know how it is going to work, but let's see. I hope this is going to work. So fast tag लग चुका है और अब निकलते हैं यहाँ से. So guys, we are at Lajpat Nagar 24/7. अभी कुछ स्नैक्स उठा लेते हैं रास्ते के लिए बिकॉज ये आगरा वाला जो हाईवे है ना बहुत बोरिंग है और रास्ते में कुछ मिलता भी नहीं है. 24/7 से स्नैक्स उठा लिया है. और ये खड़ा अपना जहाज. अब यहाँ से सीधे निकलेंगे नॉन स्टॉप. अभी पहुँचे D&D और फॉग तो नहीं है अभी फिलहाल D&D पे लेकिन आगे पता लगेगा क्योंकि एक्सप्रेस वे पे ट्रैफिक दिखा रहा है. हाँ तो गाइस इतने दिनों बाद बाहर निकल रहा हूँ इसकी तो खुशी है ही है. बट सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की है कि थार लेके इतना टाइम हो गया था इससे हाईवे पे जो मेरे को भगाना था वो सपना मेरा आज पूरा हुआ. तो अभी भगा तो नहीं रहा हूँ, रैश ड्राइविंग नहीं कर रहा हूँ. 70-80 रख रहा हूँ. बट दिल्ली में इसे 50 में चलाना बहुत डिफिकल्ट है, मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल. बट अभी हाईवे पे हूँ तो बहुत सही लग रहा है. दिल्ली के लिए तो भाई वैगनार या छोटी गाड़ी बढ़िया है लेकिन हाईवे के लिए ये गाड़ी बहुत सही है. अभी 80 की स्पीड में हूँ और पता ही नहीं लग रहा कि मैं 80 पे हूँ. इतनी स्मूथ चल रही है और मज़ा आ रहा बिल्कुल. क्या बोलते जी ना? Yes. What yes? I agree with that. I'm very happy right now. Why you so happy? Because I'm out. After a very, long very, time. Very long time, right? After long time. Lockdown के बाद पहली बार कहीं बाहर जा रहे हैं दिल्ली से. मैं भी जा रहा हूँ पहली बार. So guys, finally entered expressway और यहाँ फॉग है अच्छे लेवल पे. हमने 184 किलोमीटर आगरा. हाँ तो गाइस अभी एक्सप्रेसवे पे रुका हूँ मैं ऐसे ही और फॉग देख ही पा रहे होगे आप लोग कितना खतरनाक फॉग हो रखा है. तो सोचा थोड़ी देर रुका जाए और ये है हमारा पहला टोल. काफी भीड़ है. भीड़ नहीं है एक्चुअली फॉग के चक्कर में सारे के सारे स्लो चला रहे हैं तो एक साथ फंस गए हैं यहाँ जो कि सेफ
रफ है यार चलाना फिलहाल, जान है तो जहान है, ऐसे में तेज चला के तो कुछ कर नहीं पाएंगे। और वैसे भी अपने पास टाइम बहुत है, इतनी जल्दी जाके हम कुछ कर भी करेंगे भी नहीं। होता फास्टैग काम नहीं करेगा कितना? आगरा हाँ तो गाइस फास्टैग ने अभी काम नहीं किया, यहाँ पे फास्टैग ले नहीं रहे, कैश ही ले रहे हैं, तो कैश पे कर दिया। देखते हैं आगे कोई ऑटो लाता है फास्टैग लेते हैं नहीं लेते हैं। और फॉग अभी वैसा ही है, यहाँ पे पीछे से अनाउंसमेंट चल रही है दैट दूरी बनाए रखें, अपने ब्लिंकर्स ऑन रखें और अपनी हेड अपनी फ्रंट लाइट्स ऑन रखें और ओवरटेक ना करें, विच इज गुड यार बिकॉज यहाँ पे ज़रूरत है एक्सप्रेस वे पे। बहुत देर से ड्राइव कर रहा हूँ और बहुत ही बोरिंग हाईवे है यार ये वाला आगरा वाला, ना रास्ते में यहाँ ढाबे हैं और सिर्फ एक ही जगह पे शायद वो बीच में एक जगह पे फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट्स आते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक वही जगह है। पूरा का पूरा हाईवे बहुत बोरिंग है, यहाँ पे ना कोई ढाबा है। जैसे नॉर्मली आप हरिद्वार साइड निकल जाओ या फिर जयपुर साइड निकल जाओ, स्टिल आप गाड़ी रोक सकते हो कहीं बैठ सकते हो, बट यहाँ बहुत ज़्यादा बोरिंग है, गाड़ी रोक के भी आप यहाँ क्या ही कर लोगे। सो गाइस सेकंड टोल इज अबाउट टू कम, सो गाइस सेकंड टोल और पहले टोल पे 475 रुपए का टोल कटा था और ये सेकंड टोल है, देखते हैं यहाँ फास्टैग लेते हैं नहीं लेते। सो गाइस ये है यहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस और रेस्टोरेंट एंचीज जीना वो फाइनली एक्साइटेड कि अब कुछ खाने के लिए मिलेगा, भूख लग चुकी है यार बहुत तगड़ी वाली, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो चलो पहले फ्रेश होते हैं और फिर कुछ खाते हैं। सो गाइस दिस इज द फूड कोर्ट, ठीक है इतना कुछ खास नहीं है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। अभी वापस जा रहे हैं गाड़ी के लिए, गाड़ी के पास, बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैगी ले ली है, जीना ने चाय ले ली है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है चाय तो। सो अभी जा रहे हैं गाड़ी में, गाड़ी में बैठ के आराम से खाएंगे और फिर यहाँ से निकल चलेंगे सीधे। मिनी ब्रेक ओवर हो गया, छोटा सा ब्रेक लिया, कुछ खाया, मैगी चाय और अब चलते हैं आगरा की तरफ ऑन द वे। और टाइम हो रहा है अभी 11 बज गया है और फॉग अभी भी है हाईवे पे। As you can see, अभी भी फॉग है, तो चलो ये रास्ता तो वैसे भी बोरिंग है, जैसे ही आगरा पहुंचते हैं उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, रास्ते में कुछ होगा अच्छा तो मैं फिर से कंटिन्यू कर लूंगा। सी यू इन अ बिट। सो गाइस दिस इज द थर्ड टोल, और इससे पहले वाला जो टोल पड़ा था वहाँ पे कुछ पैसे वैसे नहीं लिए थे, शायद वो एक ही बार पर्ची काट ली थी 475 वाली, तो वही काम आई थी। अभी देखते हैं यहाँ पे भी शायद वही पर्ची चले या ना चले, अभी पता लगेगा। 475 वन टाइम पे करना पड़ता है दिल्ली टू आगरा और तीन टोल पड़ते हैं, फिर आपका एक भी बार टोल कटता नहीं है, जस्ट यू हैव टू गो थ्रू विद दैट पास। वही हुआ इस बार भी, पैसे नहीं लिए, सिर्फ पर्ची स्कैन करी और काम हो गया अपना, और जहाँ हमें जाना है वहाँ हम अगले आधे घंटे में पहुँच जाएंगे मैक्स टू मैक्स, है ना जी? चलो पहुँच के फिर कंटिन्यू करते हैं। वी आर अबाउट टू रीच अवर डेस्टिनेशन विद इन नेक्स्ट 30 मिनट्स, और उससे पहले एक जगह पर रुके क्योंकि यार यहाँ पर नज़ारा बहुत अमेजिंग था, पीछे सरसों के फूल हो रहे हैं
पूरी सरसों की फसल हो रही है। You can guys can see. अगर आप लोग देख पा रहे हो पीछे पूरी सरसों हो रखी है, पूरा पीला पीला फॉग और हाईवे के पास, और सेल्फी ली जा रही है यहाँ पे, एंजॉय करा जा रहा है मोमेंट पर। ये कैसा लग रहा आपको इतने दिन बाद बाहर आके? Wow, sexy. I'm happy. So guys, this is the fourth toll. और अब पता लगेगा यहाँ पे टोल कटता है कि सेम पर्ची काम करेगी करके। तीन टोल क्रॉस करने के बाद चौथे टोल पे 35 रुपीज का एक और टोल टैक्स कटता है। सो इन टोटल अभी तक हो गया 475, 5 प्लस 35 will be 510, सो 510 रुपए का दिल्ली टू आगरा। चलो चलते हैं, और आगरा में एंटर कर चुके हैं हम लोग। मस्त है यार आगरा में, अभी भी फॉग चल रहा है। दिल्ली में पता नहीं सब फॉग है कि नहीं, कभी कल तो था, आज पता नहीं है कि फॉग है कि नहीं। So finally we have arrived our destination, which is Radisson Agra. Documentation सारा कर लिया, अब check-in करने जाएंगे. And she is tired. And I'm dead. And? I'm dead. You're dead. And I'm hungry too. You're hungry too. ठीक है. तो चलो check-in करते हैं, फिर room का tour देते हैं आपको. This is nice corridor. This is the guard. Corridor बहुत प्यारा है. लाइटनिंग की थोड़ी कमी और GoPro ने जवाब दे दिया है। फाइनली रीच इन द रूम, और रूम का टूर देता हूँ आपको। रूम बहुत ही ज्यादा क्लासी है, छोटा रूम है लेकिन क्लासी रूम है। दिस इज रेडिसन आगरा। कंबाइन बेड था नहीं तो स्प्लिट बेड मिला है, बट स्टिल बहुत सही है। वॉशरूम, अमेजिंग रूम। तो गाइस अब फाइनली पहुंच गए हैं, और रात भर शिफ्ट के बाद अब रात की शिफ्ट के बाद अब फाइनली बेड मिलेगा ढंग से सोने के लिए, बिकॉज मैं तो रात 3 घंटे ही सोया था। तो आज का सीन यही है, आज यहाँ पे स्टे करेंगे, रेस्ट करेंगे, और सुबह जाएंगे कल ताजमहल देखने, बिकॉज आज संडे है तो शायद भीड़ बहुत ज़्यादा होगी। तो दैट्स वाई वी डोंट वॉन्ट टू गो देयर टुडे बिकॉज ऑफ कोविड एंड सेफ्टी। वी ऑर्डर्ड लंच बिकॉज सुबह से कुछ खाया नहीं था इतना अच्छा, तो अभी लंच ऑर्डर किया है और रूम पे ही लंच कर रहे हैं। सो लंच फाइनली आ गया। दिस इज अवर लंच, वेज थाली, नॉन वेज थाली। ऑल दो हम दोनों ही नॉन वेजिटेरियन हैं, बट ये ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए कि टेस्ट करके देखते हैं दोनों में से कौन सा बेटर है। तो अब करते हैं लंच, और अब मैं लंच करके तो मैं सो जाऊँगा, तो शाम को उठूँगा उसके बाद बात करते हैं। तो बाय। इट्स 7:30 और मैंने एक छोटा सा नैप लिया, थोड़ी देर मूवी देखी, और अब हो गया डिनर का टाइम। तो अभी जा रहा है डिनर करने, एंड जीना स्टिल वर्किंग, उसकी शिफ्ट चल रही है तो शी स्टिल कंटिन्यूइंग विद द वर्क। तो अभी जाते हैं डिनर करते हैं, और देन वो शील कंटिन्यू विद द शिफ्ट, एंड आई विल टेक अ नैप अगेन। तो चलते हैं अभी नीचे और डिनर करके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।